ये ओपी शुक्ला से प्रश्न पत्र 1994 का है। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लूँगा। मैं केवल 1-2 बातों की ओर वित्त मंत्री और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। आज बिजली के मामले में राजस्थान की हालत बहुत नाजुक है, खास तौर से पिछले 5-7 दिनों से गाँव में परेशानी बहुत बढ़ गई है। मैंने देखा है कि कई जिलों में पिछले कई दिनों से बिजली नहीं है। नतीजा यह हुआ है कि जो फसल बोई गई है उसको पानी नहीं मिल पाया है। वहाँ पहले से ही अकाल की स्थिति है। बिजली ठीक तरह से ना मिलने के कारण किसानों की फसल खराब हो रही है। इसलिए बिजली को और अधिक फैलाने की बात को छोड़कर सरकार उसकी पूर्ति को नियमित करे। उधर से जो माननीय सदस्य बोलते हैं वे बातें करीब करीब वही करते हैं जो हम कर रहे हैं। दोनों में से कोई फर्क नहीं है। वे भी कहते हैं कि महंगाई है, बेकारी है और हालत खराब है। सरकार की ओर से भी हर एक भाषण को इसी वाक्य से शुरू किया जाता है कि उसे विरासत में खराब हालत मिली है जिसे सुधारने में समय लगेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार एक समय निश्चित कर दे कि वह कब इस पहले वाक्य को बोलना छोड़ देगी। हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे, वह हमें भाषण लिखकर दे और बता दे कि हमें क्या करना है। हम वैसे ही इस सदन में और जनता के सामने बोलेंगे, लेकिन वह देश की हालत को सुधारे। आज चारों ओर हालत बिगड़ रही है। आज गांव में कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार हम लोगों को कब तक दोष देती रहेगी? यदि हालत ना सुधरी तो वे लोग भी डूबेंगे, हम लोग भी डूबेंगे और लोकतंत्र भी डूबेगा। आज गांव में हालत बहुत गंभीर रूप से बिगड़ रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ यह बात कह रहा हूँ। आखिर सरकार का और हमारा काम एक ही है। कुछ लोग उधर बैठे हैं और हम इधर बैठे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालत सब ओर से खराब है। बिजली खराब है, कोयला खराब है, तेल नहीं मिल रहा है। किसानों के काम सब तरफ से रुके हुए हैं। गांव के अंदर इतनी महंगाई बढ़ रही है कि गरीबों के प्राण निकल रहे हैं और आगे यह महंगाई और भी बढ़ेगी। अनाज का उत्पादन कम हो गया है, भाव अभी ऊंचे हो रहे हैं, आगे और भी ऊंचे होंगे।
फिर कहेंगे कि आयात से बिल बढ़ रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के